आइए तेजा भाई, आइए आइए। अरे मुन्ना आओ इधर आओ, एक आइटम दिखाता हूँ, आओ आओ आ, आ। ये है हमारा मुन्ना, ये पहचाना इनको? नहीं नहीं, लो बोलो, ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ पूछो इनसे, पूछो। हाँ मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है। नहीं। तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं। ए, एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ नहीं। तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं। तो आपका दूसरा बेटा? ए, कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी, यार हमें मालूम ही नहीं है, तेरा भाई है। अरे भाई आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे, लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यही रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देख कर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा है। नहीं, सेम आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम। ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान की जो मत, वो तुम्हारा नौकर है ना पांडू? हाँ। उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडू? उसका बाप मर गया ना, गाँव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गाँव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बददक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू तिवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता मेरा, मत भूल, खून खराबे के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ डराता हूँ। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? गॉश बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम रात के 11 बजे। तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं, चलिए अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, बोरिया बिस्तर बांध के चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो, अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधे श्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रासलीला रचाई है, अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मूछ मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो सारे वीडियो कौन को? अरे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सारी गाय की तेरे करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो नाना। वाह चोरी पे सीना जोरी, वाह मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे? मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ए भगवान, ये 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 इतने से नहीं मरेगी, अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, मैनेजर कोई कमरा है? हाँ कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और दूसरी बात उसमें नंबर एक और नंबर दो की सुविधा होनी चाहिए। ना 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 राजा, तुलसीदास खान। क्या तुलसीदास खान, ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद का नाम पैदा हुआ क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। हाँ, बाप का नाम? ये साले मर गया मेरा। दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा।
और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए, एक नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। दो कप के पैसे दे जा ना। अरे दो कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे क्या? नहीं 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 देंगे हम। लाइए छाता। अरे मेरा छाता। हम लाते हैं? कोई जरूरत नहीं है बाबू, बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? कूट चाला। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सब वो झूठा चेतन के आदमी लगते हैं, हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? प्रिया, मैं इस जीतू का क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। देख, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी निकली है रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। आई थिंक वो तुझे जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो एप्लीकेशन आई है ना, उसके हिसाब से तेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, बस तुझे एक महीने के लिए रुकना पड़ेगा। थैंक्स। एक महीना? लेकिन एक महीना मैं जीतू का क्या करूँ? तू एक महीने तक काम पे मत जा। और अगर मुझे ढूंढता हुआ राधेश्याम जी के घर पे चला गया तो क्या? तो उसे सच का पता चल जाएगा, और वैसे भी कभी ना कभी तो उसे पता चलने ही वाला है ना। तू उससे प्यारा सा फोन करके एक महीने की छुट्टी ले ले, और बोल कि तेरे पापा को शक हो गया है, और वो हर जगह ड्राइवर को तेरे साथ भेजते। जब तुझे ये मेरी वाली नौकरी मिल जाएगी तब तो उसे सच बता देना। सर, मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? नहीं, नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, नहीं। तो आप यहाँ पे आए क्यों? सर, सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? सर, अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है, अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे हैं। दोनों में काफी पहचान होगी, नहीं? सर, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से? नहीं 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 सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी। पूरा पेमेंट हो गया? जी जी। कोई लेन देन बाकी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर कहाँ देखते हो? नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है, मैं भी कॉफी पी रहा हूं, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर, मैं आऊंगा दो दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो, बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे। प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर, वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेज है वो, हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर, मेरा मतलब तो वो... नहीं, तुम्हारा मतलब का हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है, का काम था बताइए। उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। सिस्टर, इनको होश आ रहा है, इनके पति को बुलाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैर में चोट आई है और सर में चोट आई है, जिसकी वजह से तुम पूरा दिन बेहोश रही।
लेकिन डॉक्टर ने सारी जांच पड़ताल कर ली है, अब सब कुछ ठीक है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरा काहे का शुक्रिया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। शुक्रिया मान अपने पति का जो पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर बैठा रहा, तकिए के पास से हिला तक नहीं, रो रो के उसकी हालत बुरी हो गई। बस एक दो दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ध्यान रखना हाँ अपने आप का, मैं चलता हूँ। I'm sorry अंजलि, सब मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। भाभी जी जैसी पवित्र गंगा को मैली करने वाला वो लौंडा है कौन? तुम सर, तुमने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इस शहर में आने के लिए मजबूर किया। अरे हम तो इस शहर में पांव तक नहीं रखने वाले थे। हम जानते हैं इस शहर का पानी गंदा है और यहाँ के लोग भी साले कमीने हैं। सर वह आनंदीलाल कानपेटिया के साथ जो भैया तंग आ गया हूं तुम और तुमने आ रहा हूं अब कितना बजोगे? हेलो हाय दिस इज जीतू फ्रॉम वीडियो कॉल, अंजलि है? अंजलि डूब गई है समंदर में। सर आप प्लीज उनको फोन दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात। क्या दादागिरी करते हो है? साले टूटे हुए तानपुरे, मैं नहीं दूंगा फोन अंजलि को, नहीं दूंगा। क्या करने का तू? सर लाइए मुझे दीजिए। सांड की औलाद तू धमकी किसे देता है? हाँ मैं तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तेरे बाप ने उल्टे धंधे करके तुझे पैदा किया होगा। अगर तिवारी खानदान का नाम भी लिया मैं तेरे पूरे खानदान की टांग तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। सर आदमी खतरनाक लगता है। भैया ये तो लगता है मारपीट करने से ही उसकी अकल। मारपीट अब इस उम्र में कहाँ, पहले की बात और थी, अखाड़े में दो चार को पटक भी देता था। सर मैं आपकी नहीं गुंडों की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत क्रिमिनल केसेस लड़े हैं, मैं एक तो गुंडों को जानता भी हूँ। बस आपको सिर्फ उन्हें पैसे देकर उस कमीने का चेहरा दिखाना है बस। पूरा और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझे? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, फिर एक टांग एक हाथ में। नहीं नहीं नहीं, कहा है कि हाथ और टांग के बगैर लड़का अच्छा नहीं दिखेगा ना। हाँ उसको कहा है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना। हाँ ठीक है वो आ रहा है। हाँ मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ चलो। क्या प्रॉब्लम है भैया? बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो साले को। अरे अरे ओए ओए हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया? अरे ओए भाई साहब उठ 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 उठ, तेरे भाई लोग चले गए। हेलो ओए, इधर से फोन घुमाने का नहीं, ये स्टाफ के लिए फोन है, पब्लिक के लिए नहीं। सॉरी, जो आता है फोन घुमाता है। हेलो जीतू, अंजलि। अंजलि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। नहीं नहीं मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ, उनकी नजर बचा के चोरी छुपी तुम्हें फोन कर रही हूँ। अंजलि ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा? पांच दिन के बाद तो तुमने फोन किया है, मैं कितना परेशान था जानती हो? हाँ आज अगर तुम फोन नहीं करती तो मैं सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। नहीं नहीं ऐसा कभी मत करना, मेरे पापा को पता चल गया तो। पता चल गया? कल उन्होंने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। ओ माय गॉड। यस ओ माय गॉड, लेकिन अभी भगवान क्या करेगा, जो भी करना है मुझे खुद करना पड़ेगा ना। अभी आप ही बताओ ऑफिस के बारे में अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे घर पे ही फोन करूंगा ना? तो मैंने किया, बुढ़ा साला भड़क गया मेरे ऊपर, गालियां दे रहा था। एक और भी हरामी था साला, अनाप शनाप बकरा था। गॉड जीतू आगे से प्लीज मेरे घर पे कभी फोन मत करना। मैं अपने फ्रेंड का नंबर देती हूँ, उसका नाम है प्रिया, नंबर है 633-4523। बहुत इमरजेंसी होना तो ही फोन करना। इमरजेंसी है अभी इसी वक्त।
अंजलि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या अंजलि, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम कुछ तो कहो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार हाँ कह दो, तुम्हारे पापा तो क्या मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जीतू, मैं कैसे कहूँ? सिर्फ एक बार कह दो कि आई लव यू। अगर तुम्हारी ना है तो मैं दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वो बुड्ढा आसपास है क्या? हाँ। अच्छा, एक काम करो, अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस फोन कट कर देना। जीतू, मैं सच कहूँ, कितनी बार कहा है लोगों को इधर का फोन नहीं वापरने का। अरे, तुम अपने बेड से क्यों उठा? चलो अपने बेड पे जाओ, जाओ अपने बेड पे। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.